आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। देश के सारे किसान खड़े हो गए। मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा रही। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है, दूसरी तरफ से खाद बीज इन चीजों में आपसे आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की, वो तीन कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे, इसलिए आपकी मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, बेशक, और अजीब सी बात है मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? पिछले चुनाव के पहले हम एक योजना लाए थे, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, चाहे वो मजदूर हो किसान हो, हर परिवार के बैंक अकाउंट में हम कम से कम, सरकार कम से कम पैसा डालेगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को यह नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा रही, और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया है।